गुड मॉर्निंग एवरी वन, लेट स्टार्ट द सेशन। आज हम मैथ में सब्ट्रैक्शन विद कैरी सीखेंगे। कल हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रिवीजन किया, पर ये नया है, इसे हम इसे सीखेंगे। अब जैसे कि आपको पहला सम दिख रहा है, यहाँ पे दे रखा है 5, 6, 2, 8। हम पहले इसको इससे करेंगे और इसे इससे। तो हम ऊपर है 6, नीचे है 8। अगर हम 6 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमेशा बड़े में से छोटा माइनस होता है, छोटे में से बड़ा माइनस नहीं होता। इसलिए हम सब्ट्रैक्शन विद कैरी करेंगे। कैरी का मतलब है कि हम इधर वाले से एक नंबर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा वंस की लाइन चलती है, यहाँ पे टेंस की। तो जब हम यहाँ से यहाँ पे नंबर लेते हैं तो हमें 10 नंबर मिलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से लिया, हमने इससे कहा कि हमें एक नंबर दे दो, तो उसने कहा कि ठीक है मैं आपको एक नंबर दे दूँगा। मतलब इसने हमें 1 नंबर दिया, तो ये 16 नहीं रहेगा, 6 की जगह 16 हो जाएगा। अब 16 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 8। अब देखो आसानी हो गई, क्योंकि 6 में से 8 माइनस करने पे नंबर नहीं आता, पर 16 में से 8 माइनस किए तो 8 आया। अब ऐसे ही यहाँ पे 5 नहीं रहेगा, 5 की जगह रह जाएगा 4। 1 नंबर यहाँ पे कम हो गया, क्योंकि वहाँ पे चला गया 1 नंबर। अब 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 2। ऐसे ही हम ये वाला सम करेंगे। अब यहाँ पे 3 है, 3 और नीचे 6। अब 3 में से 6 कैसे माइनस करेंगे? अगर मान लो हमारे पास 3 टॉफीज़ हैं और हमें किसी को 6 देनी है, हम नहीं दे पाएंगे। हम अब यहाँ से 1 नंबर लेंगे। हमने इसे कहा कि हमें एक नंबर दे दीजिए, इसे हमें नंबर दिया। अब हमारा 3 बन गया 13। अब 13 में से 6 को माइनस किया तो हमारा आंसर आया 7। और यहाँ पर 4 की जगह बन जाएगा हमारा 3। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो बन गया हमारा 2। आज आप सिर्फ ये 2 सम हैं। अपनी मम्मा पापा से कहेंगे कि आपको कुछ और सम लिख के दें, और आप उसे ट्राई करेंगे कि आप कर पाएंगे या नहीं। आपको नंबर के डिजिट छोटे रखनी है कि आप सॉल्व कर सकें। हमेशा आपको जब यहाँ से हम एक नंबर ले लेंगे तो आप यहाँ पे नंबर क्रॉस करके लाइन डाल के क्रॉस की आप नया नंबर लिखेंगे, जैसे उससे एक नंबर छोटा। अगर यहाँ 7 है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, मतलब एक नंबर हम छोटा कर देंगे, क्योंकि हमने एक नंबर यहाँ से ले लिया। अब आप ये दोनों सम घर पे ट्राई करेंगे, सेम ऐसे लिखेंगे, रफ कॉपी में कीजिएगा और मम्मा पापा की हेल्प लेना अगर आपको समझ में नहीं आए। थैंक यू।